वन होल टू बाई नाइन प्लस वन होल वन बाई टू मल्टीप्लाई टू होल थ्री बाई थर्टीन। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वो वाली है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है, अगर आप देखेंगे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। नाइन वन बाई नाइन प्लस टू अलेवन बाई नाइन प्लस थर्टीन टू ट्वेंटी सिक्स एंड प्लस थ्री ट्वेंटी नाइन बाई थर्टीन। अब आपने लेना है इसका एलसीएम नाइन और थर्टीन का। अच्छा देखिए, एलसीएम ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। आप जब इसका एलसीएम लेंगे ना नाइन एंड थर्टीन, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो इन दोनों पे कॉमन जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो तो फिर आप इस तरह से भी एलसीएम ले सकते हैं कि दोनों को लिख दिया नाइन और थर्टीन को, ठीक है। नाइन नाइन से कैंसिल, बचा क्या थर्टीन, थर्टीन ऊपर जाके अलेवन के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस थर्टीन, थर्टीन से कैंसिल यानी जो सेम होते हैं उनको छोड़ देते हैं। नाइन बचे, नाइन ऊपर जाके ट्वेंटी नाइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हैं ना, वन सेवनटीन ही आपके पास आएगा, तो यहाँ पर आप अलग से एलसीएम ले लें, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी है। नाइन वन से नाइन, नाइन वन से नाइन एंड थर्टीन नीचे आ जाएगा, फिर थर्टीन वन से थर्टीन, तो थर्टीन को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वन सेवनटीन ही आएगा, फिर ये वाला स्टेप मिसिंग हो जाएगा। तो अलेवन को थर्टीन के साथ मल्टीप्लाई किया वन फोर्टी थ्री, प्लस ट्वेंटी नाइन को नाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सिक्सटी वन आएगा, डिवाइडेड बाय नाइन को थर्टीन के साथ करते हैं तो वन सेवनटीन आता है। थ्री बाई टू एज इट इज चल रहा था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा थ्री जीरो फोर बाय वन सेवनटीन। अब देखिए थ्री मल्टीप्लाई होगा थ्री जीरो फोर के साथ, डिवाइडेड बाय वन सेवनटीन मल्टीप्लाई होगा टू के साथ। जब आप थ्री जीरो फोर को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ट्वेल्व ट्वेल्व ये आएगा, ठीक है, वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू थर्टी फोर। वन सेवनटीन को जब टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा टू जीरो टू बाई थर्टी नाइन। इसको हम नाम दे देते हैं वन का, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दरमियान में आप लोगों ने गैप देना है जब आप लोग कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। अगर आगे ज़्यादा जगह ना हुई तो राइट हैंड साइड आपने नीचे सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड आपने ले ली, अब देखिए यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में था, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया थ्री बाई टू मल्टीप्लाई अलेवन बाई नाइन प्लस थ्री बाई टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी नाइन बाई थर्टीन। मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई नाइन टू सा एटीन प्लस ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई थ्री गिव्स एटी सेवन डिवाइडेड बाई थर्टी मल्टीप्लाई टू ट्वेंटी सिक्स। अच्छा अब इसका एलसीएम लेंगे ट्वेंटी सिक्स एंड एटीन का, ठीक है। सबसे पहले तो इस पेयर टू का टेबल दोनों पे जाता है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे और उन सब डिजिट्स को आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा टू थर्टी फोर, ठीक है। टू थर्टी फोर को एटीन के साथ डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो थर्टी थ्री के साथ मल्टीप्लाई होकर फोर ट्वेंटी नाइन देता है, प्लस सेम है टू थर्टी फोर को ट्वेंटी सिक्स के साथ डिवाइड करें जो आंसर आएगा एट्टी सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन एट्टी थ्री आएगा। अब पीछे दो दफ़ा ये किया है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद फोर ट्वेंटी नाइन प्लस सेवन एटी थ्री इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टू जीरो टू बाई थर्टी नाइन आ जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ तक भी ये भी सेम आ रहा था और ये भी सेम आ रहा था, ठीक है। अब इसको देख इसको नाम देते हैं टू का। अब फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है